भाभी जी घर पर है फेम टेलीविजन एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे। रियलिटी शो बिग बॉस के 11वें सीजन में आने के बाद काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ गई थी। वहीं इन दिनों अगर बात की जाए तो शिल्पा शिंदे एक अलग ही वजह से चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं। बिग बॉस 11 की विनर रही टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बन गई हैं। उन्होंने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम और चरण सिंह सप्रा की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता ग्रहण कर ली और उन्होंने ये भी कहा कि वो आने वाले वक्त में राहुल गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए उनके फॉलोअर्स की, उनके प्रशंसकों की, तो शायद उन्हें ये बात रास नहीं आई और उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्हें ट्रोल करना लोगों ने शुरू कर दिया है। कुछ लोग तो उन्हें ये भी कह रहे हैं कि इस बार गलत पकड़े हैं, शायद शिल्पा शिंदे का ये फैसला उनके चाहने वालों के गले नहीं उतर रहा है और वो उनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर क्या सोचकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया है। बहरहाल सोशल मीडिया पर तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया अक्सर नजर आती है, लेकिन देखना होगा कि शिल्पा शिंदे किस हद तक कांग्रेस का साथ निभा पाती हैं और क्या वाकई कांग्रेस को शिल्पा शिंदे का पार्टी में आने से फायदा होता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए यू न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।